हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। इस वीडियो में हम हिंदी के स्वर जैसे अ आ ई ई को इंग्लिश में बोलना और लिखना सीखेंगे। ये हमारे हिंदी के स्वर हैं, अ आ ई ई उ ऊ री ए आई ओ औ अंग अह। चलिए अब इन्हें इंग्लिश में बोलना और लिखना सीखते हैं। आप इस वीडियो को एंड तक देखिए क्योंकि ये इंग्लिश सीखने की फर्स्ट स्टेज है। इसकी हेल्प से आप इंग्लिश में बोलना और लिखना आसानी से सीख सकते हैं। पहला अक्षर है अ। अ की कोई मात्रा नहीं होती। इंग्लिश में अ को ए लिखते हैं। अ ए, अ को हम ए लिखते हैं। अ के बाद आ। आ की मात्रा किसी भी अक्षर के आगे से लगती है। जब अ को दो बार बोलते हैं तो बन जाता है हमारा आ। इंग्लिश में आ को डबल ए लिखते हैं। अ को डबल ए लिखते हैं। ई, इसे हम छोटी ई भी कहते हैं। छोटी की मात्रा किसी भी अक्षर के पीछे से लगती है। इंग्लिश में छोटी ई को आई कहते हैं। छोटी को क्या कहते हैं हम? आई। ई, इसे बड़ी ई भी कहते हैं। बड़ी की मात्रा अक्षर के आगे से लगती है। इंग्लिश में बड़ी ई को डबल ई लिखते हैं। बड़ी ई को क्या लिखते हैं? डबल ई। ऊ, इसे छोटा ऊ भी कहते हैं। छोटे ऊ की मात्रा अक्षर के नीचे लगती है। इंग्लिश में ऊ को यू लिखते हैं। क्या लिखते हैं इंग्लिश में? यू। ऊ, इसे बड़ा ऊ भी कहते हैं। ऊ की मात्रा अक्षर के नीचे लगती है। इंग्लिश में ऊ को डबल ओ लिखते हैं। ऊ को क्या लिखते हैं? डबल ओ। री, री की मात्रा किसी भी अक्षर के नीचे लगती है। इंग्लिश में री को आर आई लिखते हैं। लेकिन याद रखिए कि बारह खड़ी में हम री का यूज़ नहीं करते हैं, सिर्फ उन बारह अक्षरों का ही यूज़ करते हैं। ए, ए की मात्रा किसी भी अक्षर के ऊपर लगाते हैं। इंग्लिश में ए को ई लिखते हैं। ए, ई, क्या लिखते हैं इंग्लिश में? ई। आई, आई की मात्रा किसी भी अक्षर के ऊपर लगाते हैं। इंग्लिश में आई को ए आई लिखते हैं। आई, ए आई, क्या लिखते हैं इंग्लिश में? ए आई। ओ, ओ की मात्रा किसी भी अक्षर के आगे से लगाते हैं। इंग्लिश में ओ को ओ लिखते हैं। ओ, ओ, क्या लिखते हैं इंग्लिश में? ओ। औ, औ की मात्रा किसी भी अक्षर के आगे से लगाते हैं। इंग्लिश में औ को ए यू लिखते हैं। औ, ए यू, क्या लिखते हैं इंग्लिश में औ को? ए यू। अंग, अंग को किसी भी अक्षर के ऊपर लगाते हैं। इंग्लिश में अंग को ए एन या ए एम लिखते हैं। क्या कहते हैं इंग्लिश में अंग को? ए एन या ए एम। अह, अह को किसी भी अक्षर के आगे लगाते हैं। इंग्लिश में अह को ए एच लिखते हैं। अह, ए एच, क्या कहते हैं इंग्लिश में अह को? ए एच।
अगर आप इन स्वरों को इंग्लिश में बोलना और लिखना सीख लेते हैं तो आपके लिए अंग्रेजी काफ़ी आसान हो जाती है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो इसे शेयर ज़रूर कीजिए, जिससे और भी लोग इंग्लिश में लिखना और बोलना सीख सकें। और भी ऐसी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।